नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 की फिजिक्स के पहली यूनिट में दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें जनरल बातें बताई गई हैं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, सोसाइटी से क्या रिलेशन है, और भी ऐसी फिजिक्स से रिलेटेड छोटी छोटी बातें समझाई गई हैं जिनको आप सेल्फ स्टडी करके समझ सकते हैं। उसमें ऐसा समझाने जैसा कोई भी टॉपिक नहीं है, फिर भी यदि आपको पढ़ने के बाद कोई समस्या आती है तो आगे उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। आज से हम स्टडी स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट के सेकंड चैप्टर मेजरमेंट एंड यूनिट से। इसके अंदर हम पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या है और मेजरमेंट क्यों किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लास में साइंटिफिक लॉ जैसे ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की स्टडी की है। जैसे ओम्स लॉ में हम वी इक्वल आई आर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम फोर्स, मास, एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो क्वांटिटीज हम इनमें इस्तेमाल करते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, जिनका इस्तेमाल हम साइंटिफिक लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। एक बार पुनः अपन इसको समझते हैं। जैसे हम ओम्स लॉ वी इक्वल आई आर में वी वोल्टेज, आई करंट और आर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं इसको शो करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। हमें वी इक्वल आई आर की आवश्यकता पड़ती है, वोल्टेज की, करंट की, रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल एम ए, इसे एक्सप्रेस करने के लिए फोर्स, मास और एक्सेलरेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिनसे हम किसी साइंटिफिक लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनसे हम किसी साइंटिफिक लॉ को समझा सकते हैं, जिनकी टर्म्स में हम साइंटिफिक लॉ दे सकते हैं, वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज की वैल्यू फाइंड करना कहलाता है मेजरमेंट। किसी सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो फाइंड करने की प्रोसेस मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट मींस टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का, उसकी वैल्यू का पता लगाना कहलाता है मेजरमेंट।
अब बात आती है मेजरमेंट करना क्यों जरूरी है। अगर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो क्या समस्या होगी? तो स्टूडेंट्स, बिना मेजरमेंट के कोई भी साइंटिफिक लॉ नहीं बन पाएगा। साइंटिस्ट जब कोई लॉ बनाता है तो उसे बनाने के लिए उसके वो मेजरमेंट की निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ती है, उनकी वैल्यूज की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हमें वोल्टेज की, करंट की, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, उनका मैग्नीट्यूड नहीं पता, तब तक हम कैसे बता सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि वी और आई आर दोनों इक्वल होंगे? वोल्टेज की वैल्यू करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल हैं, ये कैसे बता सकते हैं? ये मेजरमेंट से ही बताया जा सकता है। तो साइंटिफिक लॉ की स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो तीन बातें करने अभी सीखी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट क्या होता है और मेजरमेंट करना हमें क्यों आवश्यक है। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे का इनसे कोई रिलेशन नहीं होता है। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल करके बनती हैं। जिसमें हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। जिसमें मास, लेंथ और टाइम ये जनरल क्वांटिटीज हैं, इनका सब जगह इस्तेमाल होता है, मोस्टली साइंटिफिक लॉ में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जबकि करंट का इलेक्ट्रिसिटी में, टेम्परेचर का हीट थर्मोडायनेमिक्स में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का लाइट या ऑप्टिक्स में, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, वो फ्री हैं, मास का, लेंथ का, टाइम इनका, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। इसके अपोजिट जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो इनसे मिलकर के ही बनती हैं। जैसे हम यहां ध्यान दें, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी और भी कई क्वांटिटीज है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, ये सब क्वांटिटीज बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के तैयार होती हैं। हमें एरिया फाइंड करना है तो लेंथ और विड्थ की आवश्यकता होगी। लेंथ आप फ्रीली मेजर नहीं कर सकते, लेंथ को मेजर करने के लिए हमें एरिया को मेजर करने के लिए हमें लेंथ का और विड्थ का प्रोडक्ट करना पड़ता है, उनका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने, उस डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड करके हम वेलोसिटी पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिवीजन से, मल्टीप्लीकेशन से या और अदर मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर के तैयार होती है। तो ये दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज हम साइंटिफिक लॉ में इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक लॉ को समझाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं
यूनिट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेट अमाउंट जिसकी मदद से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं यूनिट कहलाती है। जैसे मास को मेजर करने के लिए हमें और उसको उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। किलोग्राम कैसे बनाया गया है, क्या स्टैंडर्ड किलोग्राम को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए हम प्योर वाटर का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक लॉजिक के बेस पर यह बताया गया है कि जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का 1 लीटर लेते हैं तो प्योर वाटर का 1 लीटर 1 केजी के इक्वल होता है। इसकी वजह क्या है, प्योर वाटर की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, उसकी डेंसिटी डेफिनेट होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरी बात, हम वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम रहती है और इसकी वैल्यू भी इजी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी की। तो इसलिए मास को के यूनिट किलोग्राम के लिए हमने वाटर को लिया और टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस लिया, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होगी। टेम्परेचर डिक्रीज होगा वाटर का तो डेंसिटी कम होगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी डेंसिटी उसकी कम होगी। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका 4 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर जाने पर भी डेंसिटी उसकी कम होती है और 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने पर भी डेंसिटी उसकी कम होती है। तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का 1 लीटर का जो मास है वो 1 किलोग्राम के बराबर बना। तो 1 किलोग्राम मास को मेजर करने के लिए यूनिट बनाई गई। इसकी मदद से हम अदर मास जो अदर ऑब्जेक्ट है उसके मास को कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का वह डेफिनेट अमाउंट है जिसकी मदद से जिससे कंपेयर करते हुए हम अदर ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, फिजिकल क्वांटिटी का एक डेफिनेट अमाउंट है जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यूनिट्स को बनाते समय, यूनिट को रिप्रेजेंट करते समय हमें छोटी छोटी कई बातों का ध्यान रखना होता है। जब यूनिट बनाई जाती है तो क्या लॉजिक लगाकर बनाई जाती है, सबसे पहले बात करते हैं इट शुड बी वेल डिफाइंड। यानी जब भी हम कोई यूनिट प्रिपेयर करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई डेफिनेट अमाउंट लेते हैं तो वो साइंटिफिक लॉजिक के बेस पर होना चाहिए। हम अपने मन से किसी भी अमाउंट को कोई यूनिट नहीं मान सकते हैं। उसके लिए कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक जरूर लगता है। जैसे कि हमने देखा वाटर किलोग्राम के लिए, अभी 2 मिनट पहले ही चर्चा की, क्या बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का 1 लीटर 1 केजी के इक्वल होता है और एक हमेशा रहेगा। तो ये क्या है, ये है साइंटिफिक लॉजिक। तो वेल डिफाइंड का मतलब है जो भी यूनिट बनाई जाए पूरी तरीके से क्लियर होने के किस बेस पर हमने ये यूनिट
बनाई है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि यूनिट सुटेबल साइज की होनी चाहिए। हम किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते समय इस बात पर ध्यान रखें कि जो यूनिट इस्तेमाल की जा रही है वो लार्ज यूनिट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट्स तो नहीं है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, मिलीमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम छोटे से ऑब्जेक्ट को लें, जैसे एक माचिस का बॉक्स लें छोटा सा, हम उसकी लेंथ को अगर सेंटीमीटर स्केल से मेजर करते हैं तो उसका मेजरमेंट एक हमें एक्यूरेट भी मिलेगा और उसको ईजीली हम एक्सप्लेस भी कर सकते हैं। जो माचिस का बॉक्स है उसकी लेंथ कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होगी 2 या 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर थिकनेस होगी। पर अगर अपन इसको मीटर स्केल से मेजर करें या इसको मीटर में एक्सप्रेस करें तो 4 सेंटीमीटर की जगह हमें 0.04 मिलेगा, और 0.04 को मेजर करने में भी मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो जिस यूनिट से कर रहे हैं वो यूनिट उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने लार्ज मास लिया, लार्ज मास लिया 1 क्विंटल, अब हम 1 क्विंटल लेते हैं तो आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बड़े बड़े जो वेट हैं उसको आसानी से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको मिलीग्राम में लें या ग्राम में एक्सप्रेस करें, अब देखिए 1 क्विंटल 100 kg, 100 kg के बाद 1000 उसके ग्राम, यानी वो क्वांटिटी कितनी हो गई 100, फिर ये और ये हो गया ग्राम में। तो अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट का मास अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें इस क्वांटिटी को शो करना पड़ेगा, जो कि याद रखने में लिखने में सभी में मुश्किल होगा। इसलिए एक आ जाता है कि मेजरमेंट के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो उस कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, हम किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, तो उसका साइज क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। छोटी छोटी क्वांटिटीज को छोटे छोटे मेजरमेंट के लिए छोटी स्केल लें, छोटी यूनिट्स लें, बड़े के लिए लार्ज के लिए हम बड़ी स्केल ले सकते हैं, उसके लिए हम बड़ी यूनिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड यूनिट की प्रॉपर्टी है यूनिट पर ना तो टाइम का और प्लेस का चेंज हो, यानी जो हमने साइंटिफिक लॉजिक बनाया है उस लॉजिक पे ना तो टाइम का इफेक्ट पड़े, ना ही किसी प्लेस का इफेक्ट पड़े, ना ही एनवायरनमेंट आसपास एनवायरनमेंटल प्रेशर का टेम्परेचर का, फिर जो आसपास की क्वांटिटीज है नेचर में, जो क्वांटिटीज जो नेचर में चेंजेस हो रहे हैं उन क्वांटिटीज से हमें यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जो भी यूनिट डिफाइन की जाती है, जो साइंटिफिक लॉ लिया जाता है, वो इस तरीके से लॉ लेना चाहिए कि उस पर हम उसका जो फिजिकल क्वांटिटीज है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उनका कोई इफेक्ट ना हो, टाइम का इफेक्ट ना हो, प्लेस का इफेक्ट ना हो। इसके साथ ये बात ध्यान रखें कि ये यूनिट सभी के द्वारा मान्य होनी चाहिए, यानी सभी लॉज में उन यूनिट से वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर मेजरमेंट के बाद हमें हम किसी भी यूनिट से मेजरमेंट लें अगर वो वेरीफाई नहीं हो पा रही है तो हम उसको यूनिट को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तभी मानेंगे जबकि वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। दूसरी बात, अब हम आगे देखते हैं, यूनिट इजीली कन्वर्टेबल होनी चाहिए अदर सिमिलर यूनिट्स में। हम लेंथ के लिए मिलीमीटर भी लेते हैं, मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोमीटर भी लेते हैं, सेंटीमीटर भी लेते हैं, मीटर भी लेते हैं, किलोमीटर भी लेते हैं। तो ये लेंथ के लिए यूनिट्स हैं, ये क्या आसानी से कन्वर्ट हो रही है, जैसे 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, या हमें स्मॉल से लार्ज यूनिट बनानी है तो हम उसका डिवाइडेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमें
बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी है तो हमें 10 या 10 की पावर्स का इस्तेमाल करके वो आसानी से वो यूनिट कन्वर्ट हो सके। तो जो यूनिटें मेजरमेंट के लिए बनाई जाती हैं, एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के लिए छोटी छोटी और लार्ज बड़ी बड़ी यूनिट्स भी बनाई जाती हैं, वो यूनिट इस बेस पे बनाई जाती है कि वो आसानी से उनका रिलेशन इस तरीके का हो कि जो आसानी से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में वो कन्वर्ट हो सके, कोई इनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ने आज जो टॉपिक की स्टडी की है, ध्यान दें कौन कौन से टॉपिक की स्टडी किया अपन ने। स्टार्टिंग में फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट क्यों करना अनिवार्य है, मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं यूनिट क्या है, यूनिट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, आज के लेक्चर में हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं। आपको इस लेक्चर में जो भी समस्या है वो आप मुझसे फ़ोन करके, सभी के पास, सभी स्टूडेंट्स के पास जो मेरे ग्रुप से, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सब के पास मेरे फ़ोन नंबर हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास फ़ोन नंबर नहीं है वो एक बार नोट कर सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं, और जिनके पास फ़ोन नंबर नहीं है वो नोट कर लें, ये फ़ोन नंबर है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।